इंडियन प्रीमियर लीग में अब प्लेऑफ की जंग धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी है और ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स नए आत्मविश्वास से भरी दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ बुधवार को एक और जीत के साथ अपनी स्थिति पुख्ता करना चाहेगी। पिछले मैच में मुंबई इंडियंस को हराकर चेन्नई जीत की राह पर लौटी है और शुरुआती चरण में जूझती नजर आई दिल्ली को हराकर वह 2 पॉइंट्स और लेना चाहेगी। मुंबई के खिलाफ मिली जीत में तेज गेंदबाज मतीशा पत्राना की भूमिका अहम रही थी और एक बार टीम उनसे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्मीद कर रही है। दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर सके हैं, लेकिन फिल शॉट एक मैच विनर के तौर पर उभरे हैं। कप्तान डेविड वॉर्नर फिलहाल फॉर्म में नहीं है, जबकि मिचेल मार्श और रॉबिन पावेल भी कुछ खास नहीं कर सके हैं। दिल्ली ने पिछले 5 में से 4 मैच जीतकर उम्मीदें बनाए रखी हैं। टीम को आगे हर मैच जीतना होगा और चेन्नई को उसके गढ़ चेपॉक पर आना बिल्कुल आसान नहीं है। दोनों टीमों के बीच अब तक 27 मैच खेले गए हैं, जिनमें से चेन्नई ने 17 मैच अपने नाम किए हैं। हालांकि आईपीएल 2020 के बाद से दिल्ली ने 6 में से 4 मैचों में जीत दर्ज की है। दिल्ली की टीम मैनेजमेंट चेन्नई के खिलाफ मनीष पांडे की जगह ललित यादव को मौका दे सकती है। ललित चेपॉक में चेन्नई के खिलाफ बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस मैच के दौरान बारिश की कोई संभावना नहीं है, हालांकि गर्मी और उमस खिलाड़ियों का स्वागत कर सकती है।